और कोरबा जिला युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। दरअसल कवर्धा में पुलिस की प्रताड़ना से प्रशांत साहू के मौत एवं साथ ही साथ उनके परिजनों के ग्रामीणों ने पुलिस से अत्याचार को बढ़ावा देने वाले एसपी अभिषेक पल्लव पर कार्रवाई की बजाय प्रमोशन दिया गया। इसलिए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को सद्बुद्धि देने की कामना करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ करवाया गया। साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया गया। वह यज्ञ के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस्तीफे की मांग की गई और इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास ने कहा है कि प्रशांत साहू की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से ही पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई थी, जिसका परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। शासन और प्रशासन की जो नाकामी दिखा रही है और साथ ही साथ विजय शर्मा जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा एक कहा जाए कि जो बुद्धि का उपयोग नहीं करने वाला कार्य किया गया है कि वहाँ के एसपी को हटाने के लिए लगातार सारे लोग प्रयासरत थे, हटाने की बजाय उनको प्रमोशन दे दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बुद्धि उनमें कमी दिख रही है। उसी को लेकर के आज यहाँ पर युवा कांग्रेस और एनसीपी के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था ताकि उनको सद्बुद्धि और छत्तीसगढ़ का शांति व्यवस्था का छत्तीसगढ़ बंद का भी आयोजन किया गया था, लेकिन आप लोगों की सहभागिता नहीं दिखी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई। इसमें आपको सर मैं बताना चाहूँगा कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सीनियर कांग्रेस सारे लोगों को क्या है, प्रदेश में ये चाह रही है कि आंदोलन जो है लगातार कंटिन्यू चले और आंदोलन रुके ना, इसलिए सीनियर कांग्रेसों को कल जिम्मेदारी दी गई थी। हम लोग जो है यूथ कांग्रेस अपने अपने क्षेत्र में अपने ब्लॉकों में सक्रिय थे, सारे लोग दीपका में हो गए, चाहे कठघोरा में देख लीजिए, जहाँ जिनके